अभी बच्चे नहीं आए हैं सारे, राहुल है, प्रिंस है, नेहा है, ठीक है, तीन बच्चे आ गए हैं। चलिए, तो मुझे आज मेरे ख्याल से कंपाउंड जर्नल एंट्री से स्टार्ट कराना था आप लोगों को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें। मेन टाइम में आप लोगों की जो स्क्रीन है, टॉपिक को निकाल लेता है ना बुक से, 1 मिनट दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए, तो हाँ जी, बाकी बच्चे नहीं आए आज, कहाँ रह गए बच्चे? केवल आप लोग ही हैं। प्रिंस बेटा, बाकी बच्चे कहाँ रह गए? कोई क्लास व्लास तो नहीं है उनकी, कोई और जिसके कारण से बच्चे नहीं आ पाए हो? एनी आइडिया अबाउट इट कि कहाँ रह गए हमारे बाकी बच्चे? नहीं नो सर। पता, चलिए ठीक है। तो पिछला कोई डाउट वगैरह हो आप लोगों का तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, बताइए। कोई डाउट क्वेरी है क्या पीछे से, पिछले टॉपिक में या आगे का बारे में कुछ पूछना हो आपने, कुछ आगे पढ़ लिया हो किसी बच्चे ने तो भी बता सकते हैं मुझे। तो कंपाउंड एंट्री के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चे आ जाएंगे, अनु जैसे कनेक्ट हो गई है, एक बच्चा और आ गया है। ठीक है, स्टार्ट कर दें प्रिंस या वेट करें? मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देना चाहिए, टाइम खराब होगा, टाइम हमारे पास वैसे ही कम होता है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे, फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे या तो, है ना? ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। चलिए, तो हमें लास्ट क्लास में हमें यहाँ से स्टार्ट करना था कंपाउंड एंट्री से। ठीक है, चलिए आइए जी। अगर बात करें कंपाउंड एंट्री की, तो कंपाउंड आप समझते हैं एक वर्ड, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कंपाउंड्स। ठीक है, तो वहीं से कुछ रिलेटेड वर्ड है ये। कंपाउंड में क्या होता है, हमारे पास मोर देन, ठीक है, मोर देन वन, या फिर आप कह सकते हैं टू और मोर अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, टू और, ठीक है, मोर ट्रांजेक्शन्स आते हैं, ट्रांजेक्शन्स आर इन्वॉल्व। अच्छा, आप लोगों के माइक को आप डिसेबल रखिएगा, ठीक है? ठीक है, जहां पर टू और मोर ट्रांजेक्शन्स एक साथ इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, उन पर हम बात करेंगे। अब वो ट्रांजेक्शन्स जो हैं हमारे पास, जो सेम अकाउंट्स भी हो सकते हैं, सेम अकाउंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप कह सकते हैं सोल्ड गुड्स, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश एंड रिसीव्ड 10% डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की बात करें कि कैश डिस्काउंट मिला है। अच्छा, सोल्ड गुड्स, गुड्स की वैल्यू कितनी है, लेट्स सपोज रुपीज 10,000 है, तो यहां पर देखो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सोल्ड गुड्स यानी कि सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है और आपने डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है, तीन अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, मोर देन टू अकाउंट, या अगर आप इस तरीके से नहीं समझे तो दूसरा एक लैंग्वेज ले सकते हैं आप लोग, आप कह सकते हैं वेयर मोर देन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व।
ठीक है, दो से ज्यादा होने चाहिए, कंपाउंड एंट्री है। ठीक है, अब कंपाउंड एंट्री की बात करें तो एंट्री आप लोग इसकी कर लेंगे, सेल्स हुआ है तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, इनकम है हमारी, कैश रिसीव हुआ है, अच्छा सॉरी मैंने डेबिट लिख दिया, क्रेडिट हो जाएगा, कैश हमारा इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा, और डिस्काउंट सोल्ड गुड्स, अच्छा ये मैंने रिसीव लिख दिया, ये अलाउड है बेटा, मुझसे ही गलती हो गई है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया तो क्या है आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, तो एंट्री क्या बन गई जी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए, तो कैश मिल गए, 1,000 का डिस्काउंट दिया, सेल्स की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज। आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा भी एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, यानी आप जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, या एक स्टेटमेंट में आपके पास दो चीजें इन्वॉल्व है, अब यहाँ पर दो चीजें इन्वॉल्व थी, एक तो आपने सेल्स की और दूसरा आपने डिस्काउंट दिया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि हमने सैलरी और रेंट पे किया, अब सैलरी और रेंट दोनों के अलग अकाउंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ मुझे बतानी है, जैसे मैंने यहाँ पर दो अकाउंट डेबिट किए हैं और यहाँ पर एक अकाउंट क्रेडिट किया है, तो जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही होगा, यहाँ पर दो अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, दो हो गए तीन भी हो गए, ठीक है, दूसरी तरफ एक अकाउंट होगा, इन जनरल आज के समय क्लास 11th में हम एक अकाउंट के साथ ही करेंगे, आगे चल के हो सकता है हम डेबिट साइड में भी आपको मल्टीपल अकाउंट दिखा दे, क्रेडिट साइड में भी मल्टीपल दिखा दे, तो क्लास 11th में आप क्या करेंगे, आपके पास हो सकता है पहला ऑप्शन कि आपके पास डेबिट में मोर देन टू अकाउंट्स हो, ठीक है, दो अकाउंट हो, या फिर या तो ये होगा, तो और क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में एक अकाउंट होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा, डेबिट में एक अकाउंट है, क्रेडिट में मोर देन टू अकाउंट्स हैं, या टू एंड मोर कह सकते हैं आप, टू एंड मोर अकाउंट है, यहां भी ये लिख दीजिएगा, मोर देन टू नहीं, टू एंड मोर अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है दोनों तरफ में से कैसे भी, आइए इसको हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। हमारे पास इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जहां पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है पेड कैश टू महेश, महेश को आपने कैश पे किया और उससे आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो देखिए जी आपने क्या किया, महेश को आपने पेमेंट की है तो आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, महेश को पेमेंट की है यानी शायद आपने उसे पहले से पैसा देना था तो महेश भी आ गया और डिस्काउंट अकाउंट भी आ गया। ठीक है, आपने पेमेंट की है, कैश चला गया, क्रेडिट हो जाएगा, महेश को दी है तो महेश को मिला है, डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिला है तो आपकी इनकम है, आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसे रिपीट नहीं करता। ठीक है ना, आई होप जस्ट चेक कराने के लिए मैंने बताया कि आप चेक कर सकते हैं, यही हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा इस एंट्री में देखें, अच्छा मुझे एक बार बताओ आपके पास इलस्ट्रेशन 4 है, इलस्ट्रेशन 4 में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उस डाउट को या उस ट्रांजेक्शन को करा देता हूँ, एल्स मैं आगे चलूंगा। चलिए जी मुझे बताइए आप लोग, इलस्ट्रेशन 4 आप लोगों के सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ इलस्ट्रेशन 4 में किसी को कोई डाउट है किसी भी ट्रांजेक्शन को लेकर तो मुझे बताइए, मैं करा देता हूँ, अदरवाइज मुझे आगे चलना है। नो डाउट सर। ठीक है, डाउट्स नहीं है तो चलिए। अच्छा विशाल बेटा, अटेंडेंस का आप ध्यान रख लेना। इलस्ट्रेशन 4 के बाद
हमारे पास इलस्ट्रेशन 5 देखिए, इलस्ट्रेशन 5 में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। इलस्ट्रेशन 5 और 6 दोनों देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 5 या 6 में किसी को भी किसी ट्रांजेक्शन में डाउट हो तो मुझे बता सकता है, हम उसे कवर अप कर लेंगे, एल्स आगे चलेंगे। चलो सर आगे। सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? सबका हो गया तो मैं आगे चलूंगा। हम सबका वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस दो बच्चे बोल रहे हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि साहब डाउट नहीं है कोई। हाँ तो क्लियर है, आगे चल रहे हैं सब बच्चे? किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे तो आई अज्यूम कि डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है सभी तक? ऐसा तो नहीं है ऑडियो धीरे हो? हाँ बेटा ऑडियो सही है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए ओके बेटा। तो हम आगे चलें। इलस्ट्रेशन हमने 6 तक आपको कहा क्योंकि जहां नई ट्रांजेक्शन आएगी ना, मैं वहां डिस्कशन के लिए रुकना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम नहीं खराब हो। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम तो चलो खराब हो जाए बट चीज समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना समझ में आया नहीं और आपने कहा नहीं आगे चलो। हम समय लगाने को तैयार हैं, क्लास 11th है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस क्लास में हमारा जो फोकस होगा वो हमेशा यही होगा कि आप चीजों को समझें, रेदर देन कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा। कोर्स की टेंशन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय ऑब्लिगेशन, मैं उसे करवाऊंगा। ठीक है, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़े या जैसे भी। तो आप कोर्स के चक्कर में मत रहना कि सर कोर्स कब होगा, कोर्स कब होगा। आपका काम केवल इतना है कि क्लास 11th में आप चीजों को समझने पर ध्यान दें, क्योंकि क्लास 11th में नहीं समझोगे ना तो क्लास 12th में ये बड़ी प्रॉब्लम बनेगी आप लोगों के लिए। सो प्लीज डोंट डू दैट, ऐसा नहीं करना। तो इलस्ट्रेशन 7 देखिए। इलस्ट्रेशन 7 में किसी को डाउट है क्या? या एक काम करता हूं मैं, इलस्ट्रेशंस की जगह आपको मैं क्वेश्चंस कराता हूं ना, उससे क्या होगा मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ। जो बच्चे कह रहे हैं आगे चलिए, हमें पता भी लग पाएगा क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। राइट, हम ऐसा करते हैं। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पर लेकर आता हूं। अपनी बुक में आ जाइए आप लोग, पेज नंबर, तो आपका होमवर्क भी है ये, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है फेयर। जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है दे हैव टू डू इट एंड शो इट टू मी, और जिन्होंने कर लिया है वो भी मुझे भेजेंगे ताकि मैं चेक कर पाऊं। और पेज नंबर जरूर डाला करो बेटा। पेज नंबर डालने का मतलब ये नहीं कि डेली आप एक से स्टार्ट करेंगे, नहीं, आप अपने रजिस्टर में ही पेज नंबर मेंटेन कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा हमेशा सिक्वेंसिंग मुझे पता लगते रहे, क्योंकि पेज क्या है आप जब भेजते हैं होमवर्क तो सिक्वेंसिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो वो हमें चीज चाहिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। मुझे बताइए इस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी। आइए मैं आपको एक स्क्रीन पर ले चलूं, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं जहां पर हम लिख पाएंगे चीजों को, है ना? ये लीजिए जी, सबके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है आई बिलीव। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पहली एंट्री, पहली जर्नल एंट्री कौन बता रहा है मुझे क्या होगी जर्नल एंट्री, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। जो बताना चाहे मुझे बता सकता है ताकि मुझे पता लगता रहे, तो समझ में आ। बताइए जी, कोई बता ही नहीं रहा?
सर कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपके कैलाश कहाँ से आ गया? मेरे पास तो मुस्कान है, पर अलग है कि आप पॉइंट पे सर मेरे में शायद अलग है ये। अच्छा आप देखो, क्वेश्चन हमारा जो ये है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, कैलाश वाला तो शायद सर इलिस्ट्रेशन 7 है। इलिस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन 7 पे जाना है। ओके सर, क्वेश्चन 7 है, अनसॉल्व जो है ना। अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर है इसका मेरी बुक में, न्यू बुक जो है 9.67। यस सर, आई फाउंड। ओके बेटा, चलिए तो वैसे मैंने लिख दिया है, सेल की वैल्यू मुझे बताओ। सेल 20% डिस्काउंट पर है तो 20, मेरे ख्याल से 1,60,000 की सेल हो जाएगी, और 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, और जो मुस्कान है हमने सेल किया है तो हमारा डेटर बन जाएगा 1,60,000 से। तो इनमें से बताओ कौन कौन सा अकाउंट हम यूज करेंगे, क्या करेंगे मुझे बताइए। सर सेल्स अकाउंट एंड मुस्कान अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स में अपीयर नहीं होता, तो हम इसे हटा देते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है बेटा, मैंने हटा दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, मुस्कान अकाउंट। अच्छा यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना, क्योंकि मुस्कान अकाउंट नहीं है, मुस्कान का अकाउंट है, यानी मुस्कान का खाता। ये एपोस्ट्रोफी क्या डिनोट कर रहा है कि उसका अकाउंट है, मुस्कान कोई अकाउंट नहीं है, मुस्कान का अकाउंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टू सेल्स, ठीक है, अमाउंट 1,60,000। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आप फुल फॉर्म यूज करना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया TD 20%। अच्छा सॉरी 20% है, सॉरी 20% है डिस्काउंट। ठीक है चलिए, तो आई होप 20% के हिसाब से ही हमने कैलकुलेशन किया है 1,60,000। अब yes, आगे चलिए, नेक्स्ट आपके पास है, ये कुणाल ने जवाब दिया हमें, बहुत बढ़िया किया कुणाल ने, अच्छा आंसर था। चलिए देन सेकेंड हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है ये मुस्कान रिटर्न। मुस्कान ने क्या किया, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000। 5,000 के जो गुड्स हैं लिस्ट प्राइस, जिनका लिस्ट प्राइस क्या है 5,000 रुपए है, वो उसने क्या किया, हमें वापस भेज दिए जी। अब एक बात समझिए ध्यान से आप लोग, आप मुझसे सामान 100 रुपए वाला 90 रुपए के डिस्काउंट पे परचेज करते हैं। क्या हुआ, मिस्टर ए ने सामान बेचा मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर बी को सामान बेचा, कल को जब सामान वापसी लूंगा मैं, ठीक है, कितने में बेचा, 100 रुपए वाला सामान 90 में बेचा, तो मैं वापसी कितने में लूंगा कल, नेक्स्ट डे, अगर ये सामान वापस देते हैं पूरे के पूरा, 90 में ही देंगे, बिल्कुल। तो ये बात समझ में आती है, तो लिस्ट प्राइस तो था, लिस्ट प्राइस तो क्या था, उस पर डिस्काउंट दिया था हमने, 20% का डिस्काउंट दिया था, तो जब वापसी लेंगे तो डिस्काउंट एडजस्ट करके ही लेंगे हम लोग, ठीक है, यस सर, है ना। तो हम क्या करेंगे जी, हम कहेंगे साहब देखिए लिस्ट प्राइस समझते हैं 5,000 रुपए है, 5,000 है, उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए, ठीक है, 4,500। हाँ नहीं, 20% निकालो पहले, 20% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। भाई 5,000 का 10% 500 होता है, ठीक है, यस सर, तो 20% कितना हो जाएगा, यानी कि सेल्स रिटर्न 1,000,
सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी आएगी? 4000 रुपीज। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप लोग बताइए, बोलिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे? आपको ध्यान है सेल्स रिटर्न, सेल्स का अपोजिट होता है, तो सेल्स जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। टू मुस्कान अकाउंट। बात क्लियर है मेरी आप लोगों को? यस सर। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपने कोई चीज डिस्काउंट पे बेची थी तो जब वापसी होगा तो भी आप डिस्काउंट पर करने के बाद ही वापसी लेंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करें हम लोग। कंटिन्यू करें क्या चीज को? हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या? मतलब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, देखो मेरे को शायद बस कुणाल जवाब दे रहा है, बाकी बच्चे कहाँ है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई बाकी सो तो नहीं गए? थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, ट्रांजेक्शन का नंबर डाल रहा हूँ। वैसे डेट डालोगे तो वो 15 जनवरी 2020 के ट्रांजेक्शन है। थर्ड नंबर जो है वहां पे क्या लिखा है इन्होंने, received from Muskan the full payment under a cash discount of 4%. ठीक है, क्या हुआ आपको? आपको payment receive हुआ, received from Muskan full payment under cash discount ऑफ 4%। तो देखो सबसे पहले तो देखो आपको कैलकुलेट करने का पड़ेगा कितना पैसा लेना था, है ना? क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना पैसा हमें लेना था? तो देखिए अमाउंट ड्यू निकालें, 1,56,000। कैसे निकालेंगे अमाउंट ड्यू कितना था, मुस्कान से कितना पैसा मिलना चाहिए था? अभी हमने कहा था सेल्स थी जी 1,60,000 की, उसमें से माल वापस आ गया था कुछ, सेल्स रिटर्न 4,000 का उन्होंने सामान वापस भेज दिया, नेट रिसीवेबल कितना आना था उनसे 1,56,000। आप जब कैलकुलेशंस करेंगे ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन साफ साफ करके बतानी होंगी, मन में नहीं करना कुछ भी। अगर आपका दिमाग अप्लाई हो रहा है सो बेटर यू अप्लाई दैट ऑन अ पेज। ठीक है, उससे क्या वर्किंग नोट भी बन जाएगा, एग्जामिनर को भी लगेगा या चेक करने वाले को भी लगेगा आपने कैलकुलेशन की है, अदरवाइज वो क्या सोचेगा, हो सकता है किसी से पूछ के लिख दिया होगा। ठीक है, नाउ अब ये जो रिसीवेबल है इसमें से 4% का कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, 4% 1,56,000, सॉरी 1,56,000 जो है 1,56,000 का 4% कितना होगा जी, बताइए कैलकुलेट करके बताइए मुझे कोई बच्चा। हाँ कुछ कनेक्शन एरर आया था शायद, अब ठीक है? हाँ जी, तो मुझे बताइए 4% डिस्काउंट कितना आएगा जी, आयुष बताइए। सर एक बार रिपीट करना, मैंने लिखा है, मैंने कहा 4% डिस्काउंट कितना आएगा, अब तो मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, कितना डिस्काउंट आपने देना है कस्टमर को। ठीक है, तो 1,56,000 माइनस 6,240 माइनस हुआ तो कितना अमाउंट आपको देना है कस्टमर से, मिलना है आपको 1,49,760 रुपीज। ठीक है, 60। उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपको? देखो कैश मिलेगा तो कैश डेबिट हो गया,
देखो अब मैं आपको रूल्स पर नहीं लेकर जा रहा, याद हो तो शुरू में आपको मैं क्या कहता था, रूल्स पर प्रैक्टिस करनी है। अब जिन्होंने रूल्स पर प्रैक्टिस कर ली है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीन चीजें हुई हैं, आपका जो डेटर था वो खत्म हो गया क्योंकि उसने पैसा दे दिया आपको, आपके पास कैश आया है और आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड लिख लेना आप उसको, ठीक है। और जो डेटर था आपका मुस्कान, उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा कितने से, 156,000 से खत्म होगा। हमने कहा 156,000 में से हमने कैसे एडजस्ट किया, 1,49,760 तो हमें कैश आया और बाकी हमने आपको क्या किया, डिस्काउंट दिया। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। तो इस तरीके से करना है, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मत कर देना आंसर्स। देखो अभी तो हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, एक दूसरे का कॉपी कर लोगे आप बाद में बड़ी दिक्कतें आएंगी। सो बेटर वी डू इट बाय आवरसेल्फ, ठीक है। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज पूछिए आप, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो बाद में दिक्कतें आएंगी और फिर उस समय कोई बताने वाला नहीं होगा, उससे कोई सुनेगा ही नहीं आपकी। उस समय कहेंगे जब समय था आपने ध्यान नहीं दिया, आप कहते हो आपको आता नहीं है। सो प्लीज डोंट डू दैट। चलिए आगे मुझे बताइए, यहां तक हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा क्या आप लोगों से। यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें कोई नया पॉइंट तो नहीं है। नहीं, कोई नया पॉइंट नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है या पिछले क्वेश्चंस जैसा है। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखें तो हमारे पास इसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखे। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले कोई नया पॉइंट आता है समझाने के लिए, नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और देखिए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहीं पर किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो, सो प्लीज गो लाइन बाय लाइन और मुझे बताइए। एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करो, आपको लगता है ये ट्रांजेक्शन मुझे नहीं आती तो प्लीज पूछो। सर जून 18 वाले ट्रांजैक्शन में सर दोनों अकाउंट साथ में लिखने हैं, अनिल और सुनील के। जून 18, बिल्कुल शाबाश बेटा, अभी बता देते हैं। हाँ बेटा, ये कंपाउंड एंट्री हो गई, इसमें क्या हो जाएगा, आपने सामान खरीदा दो लोगों से, कुछ बोला नहीं तो उधार माना, तो आपने क्या एंट्री कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट, टू सुनील्स अकाउंट। सुनील्स अकाउंट, बिल्कुल शाबाश। इसका मतलब कुणाल मेहनत कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा। जो मेहनत कर रहे हैं देखो उनको उसका फल मिलेगा, विल गेट द फ्रूट्स, फ्रूट और बड़े अच्छे होंगे वो, देखना आप थोड़े दिनों बाद। जो बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी इससे। और बताइए इसके अलावा। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन जो आपको नहीं आ रहा हो या कुछ पूछना हो उसके बारे में, जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज कीप आस्किंग। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या आगे चल सकते हैं? Yes. ठीक है। अच्छा बाकी बच्चे बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रहे हैं भाई, बाकी क्या करने आए हैं हमारे यहाँ क्लास में भाई, हमने कोई आपको
किस लिए बुलाया है क्लास में? पढ़ने के लिए बुलाया? पढ़ने के लिए तो कुछ जवाब देते रहा करो, कुछ पूछते रहा करो, कम से कम हाँ या ना में ही बोलते रहा करो। हाँ जी ना जी कुछ तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप लोगों को डाउट नहीं है कोई और इसके अलावा, तो जी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखो और 12 भी देख लो साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के बाद हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जहां हमें कुछ नई ट्रांजेक्शन को समझना है, वो क्या होती हैं, उनकी क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है, बताइए बेटा। हाँ, क्या आप लोगों को किसी को वीडियो ऑन नहीं करना है अपना जब तक मैं ना कहूं? सो नो पॉइंट, आप वीडियो अपना ऑन नहीं करेंगे। हाँ आप तो मुझे बताइए अप टू क्वेश्चन नंबर 12, अप टू क्वेश्चन 12 डाउट्स बताइए जी। सर क्वेश्चन 10 में मार्च 5 की जो एंट्री है, क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट बस, आ गया बेटा। हाँ क्वेश्चन 10 में मार्च 5, हाँ ठीक है मिल गया सर। उसमें 25% जो अमाउंट है वो कहाँ पे जाएगा सर? देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन जो ये है, इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हुआ क्या है जी, हमने सेल्स किया है श्रुति को, हम यानी जिनकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमारे लिए सेल्स है, सेल्स की एंट्री करेगा बिजनेस। ठीक है, 80,000 के गुड्स थे, ठीक है, लिस्ट प्राइस कितना है? 80,000 है, उसमें से 15% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है, जो बचा 15% निकालो जरा, 80,000 का कितना आएगा? हाँ 15% बताइए, 80,000 का 15% 12,000 रुपए आ गया। ठीक है, 80,000 में से 80,000 में से 12,000 गए, कितने बचे? 68,000 बचे। ठीक है, 68,000 क्या है? सेल वैल्यू है। ठीक है, आगे कहता है कैश डिस्काउंट 4% है। ठीक है जी, चलिए ये तो बस सुनने की बात थी, इंफॉर्मेशन थी। आगे कहता है कैश डिस्काउंट तो कब मिलेगा? जब हम पेमेंट करेंगे। तो कहता है 75% अमाउंट पेड इमीडिएटली थ्रू चेक, यानी इस 68 के दो हिस्से कर दो, 75% एंड 25%, ये आप इमीडिएटली पे कर रहे हैं, ये पेड हुआ है। तो देखिए कितने रुपीज का अमाउंट बनता है, ये इसकी वैल्यू निकालें। ये जी 68,000 का 75% यानी 51,000, 51,000 कस्टमर अभी पे कर रहा है तुरंत। तो हमने कहा जो आप अभी पे कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट पे क्या है डिस्काउंट है, तो हमने कहा आप डिस्काउंट लो, आप 4% का कैश डिस्काउंट लो। सो 51 का 4% हो गया जी 2,040 रुपए। ठीक है, तो नेट पेएबल कितना आ गया या नेट पेड कितना आएगा आज के समय? जो पेमेंट मिलेगी वो है 51,000 माइनस 2,040, यानी कि रुपीज 48,960। और ये अमाउंट क्या रहेगा? ये रहेगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रहेगा यानी ये क्रेडिटर बना रहे, सॉरी हमने लेना है ना, ये डेटर बना रहेगा हमारा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, ध्यान से सुनिएगा। आपको चेक से पेमेंट मिली है, यानी आपके बैंक में पैसा आया है, बैंक, ठीक है, बैंक में पैसा आया आपके, आपने डिस्काउंट दिया, सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक है, आपने का एक डेटर भी बना हुआ है, नाम क्या था इसका? श्रुति। यस सर, श्रुतिज अकाउंट, श्रुति का अकाउंट, श्रुति का अकाउंट है, श्रुति अकाउंट मत करना, श्रुति का अकाउंट यानी एफएस ट्रॉफी एस लगाना,
टू सेल्स, यानी जो ये 68,000 था ना, इस हिसाब तो इसका ही होना है, ठीक है। तो सुनो, 68,000 का सेल्स हुई, जिसमें से कैश कितना आ गया, यानी बैंक में कितना आ गया, डिस्काउंट कितना दे दिया, और हबीबी कितना लेना है, 25, ये 68 का 25% बनता है 17,000। चेक कर लेना, हमेशा टोटल ऑफ डेबिट विल बी इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट, हमेशा होगा क्रेडिट, ठीक है। सो आई होप ये बात क्लियर है आपको। यस सर। ठीक है, अच्छा और बताइए, क्वेश्चन 12 तक हमारा होमवर्क है, क्वेश्चन 12 तक आप लोगों का आज, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन 12 के बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड प्रोबेबली हम प्रोबेबली क्या, कल तो बिजनेस स्टडीज की क्लास है ही हमारी। अच्छा, कल बिजनेस स्टडीज की क्लास हम मॉर्निंग में रख सकते हैं आप लोगों की? सर मॉर्निंग में टाइमिंग क्या होगी वैसे, आप बताओ, जैसे क्या टाइम रखें अंदाजन? सर 8 AM रख लो। 8 AM, ठीक है, ओके ओके। और भी हम बच्चों से एक बार कंसल्ट कर लेंगे, जैसे 10-11 बजे रखते हैं तो प्रॉब्लम है उस समय कुछ? यस सर, सर मैं छोटे सिस्टर की मीटिंग होती है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर रियल प्रॉब्लम है, उस समय दिक्कत आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, सुबह 8 बजे का हम प्लान करते हैं। तो मुझे और बता दीजिए, इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राहुल अनु, कोई क्वेरी नहीं आ रही है आपकी तरफ से, क्या ये आता है आपको या नहीं आता है, प्लीज लेट मी नो बेटा, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए आप। तो कुणाल हम मान के चले हो जाएगा ये आज, क्या सर ये क्वेश्चन हो जाएंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सबके? सर 10 तक हो जाएंगे सर, 11th में जैन 18 में सर। ठीक है, अभी देख लेते हैं 11th, तो ये समझा दो, अभी समझा देता हूँ, थोड़ा समय कम बचा है, देखते हैं कितना समझा पाऊंगा। ठीक है, जैन 18 को मैं फटाफट देखता हूँ, सोल्ड टू शिप्रा एट अ लेस प्राइस 50 लेस 24 कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। देखो 18 तारीख को आपने सामान बेचा, उसने 23 तारीख को पेमेंट कर दी, तो क्या 7 दिन के अंदर पेमेंट आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई, 18 yes, तो छोड़ दो, उसके बाद 7 दिन दिए जाएंगे, 23 5 दिन में ही आ गई पेमेंट, तो आप सेम केस है जो आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था, डिस्काउंट देंगे आप, कैश डिस्काउंट, ठीक है, सिमिलर है। फुल पेमेंट से मतलब नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जितना पेमेंट दिया उस पर डिस्काउंट मिलेगा। यस सर। ठीक है, ये नियम है, आई थिंक कुछ जन 18 वाला भी। यस सर। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, कोई डाउट अगर आए तो आप मेरे पास, मेरा नंबर है।